Hello students, welcome back and let's continue with quadratic equation. Now I am going to start another profile number 2, you can call it. Numbering is not important, the only important part is ki ek profile hai. So ye profile ki agar main baat karu, to it is something like ki suppose given that 2x square plus 3x plus lambda equal to 0, ek equation diya hua hai. तो यू हैव टू फाइंड लैम्डा इफ फर्स्ट क्वेश्चन लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो सच दैट दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो 5 हो जाए, दोनों रूट्स का जो सम है वो 3 हो जाए, उनका रेशियो 5 हो जाए. मतलब इट्स अबाउट रिलेशन बिटवीन द रूट्स. तो दिस प्रोफाइल इज about relation between roots. So first let me take ki find lambda if sum of the root is 2. Second I can say ki difference is 3. Third I can say product is 4. Next I can say ratio is 5. Next I can say one root is reciprocal of other. Next I can say one root is two-third of other, or I can say one root is square of other. मतलब इट्स अबाउट रिलेशन बिटवीन द रूट्स, दोनों रूट्स में आपस में क्या रिलेशन है, इट्स अबाउट दैट. आई कैन से लेट मी ऐड वन मोर कि रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, देन आई कैन से roots are of same magnitude and opposite sign. Magnitude same है, sign opposite है. Then let me add one more. क्या हो सकता है? तो I can write anything. Let me write one root is two more than the half of first. These are the 10 questions that we are going to discuss. क्या है? लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है जबकि इसका दोनों रूट्स का सम 2 हो, डिफरेंस 3 हो, प्रोडक्ट 4 हो, रेशियो 5 है, वन रूट इज दिस 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 दिस. दीज आर सम केसेस. तो आई वॉन्ट यू टू ट्राई दीज क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड देन रिस्टार्ट द वीडियो एंड देन आई विल be solving these questions. So pause kar lo, solve kar lo. I am going to solve them one by one. The very first question says ki roots ka sum 2 hai. Agar main bolta hu ek root alpha hai to dusra root kya hoga? The second root will be actually 2 minus alpha kyunki dono ka sum 2 hona hai. This is one way of saying that. Second mein kya ho jayega? Difference 3 hai to ek agar alpha hai to dusra अल्फा प्लस 3 होगा, एक अगर अल्फा है तो दूसरा 4/अल्फा होगा. दिस काइंड ऑफ स्टफ. एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, एक अल्फा है तो दूसरा 2/3 अल्फा होगा, एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर होगा, एक अल्फा है तो दूसरा. सिर्फ साइन अपोजिट है तो हमें ज्यादा पता नहीं उसके मैग्नीट्यूड के बारे में, बट दोनों अपोजिट साइन के होंगे. तो दीज काइंड ऑफ कंडीशंस आर देयर, दीज काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन द रूट्स वी आर टॉकिंग अबाउट. तो अब अल्फा और 2 - अल्फा लिखने की जगह सम की बात है, और सम का फॉर्मूला तो हमें पहले से पता होता है, रूट्स की जरूरत ही नहीं है. और सम का फॉर्मूला होता है -b/a, दैट इज -3/2 इक्वल टू 2. ओहो, ये क्या हुआ? -3/2 का वैल्यू 2 कब होता है?
माइनस थ्री बाय टू इक्वल्स टू कब होता है? कभी नहीं होता है भाई। इसका मतलब नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए इसके रूट्स का सम टू तो नहीं हो सकता। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड में क्या गिवन है कि उनका डिफरेंस थ्री है, तो अल्फा और थ्री प्लस अल्फा, लेकिन जरूरत नहीं है, डिफरेंस हमें ऑलरेडी पता है और डिफरेंस होता है रूट डी बाई ए, दैट इज गिवन एज थ्री। इसका मतलब हुआ रूट डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू इक्वल टू थ्री, मतलब इक्वल टू सिक्स। ए का वैल्यू टू है, डी का वैल्यू मैंने लिख दिया रूट है, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो दैट गिव्स मी नाइन माइनस एट लैम्डा 36, एट लैम्डा माइनस 27, लैम्डा माइनस 27 बाय 8। तो लैम्डा को अगर माइनस 27 बाय 8 लिखोगे तो एक रूट दूसरे से 3 ज्यादा आएगा, उनका डिफरेंस 3 होगा। इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड फाइंड द रूट और उसका डिफरेंस निकाल लेना, एंड दैट कम्स आउट टू बी 3। थर्ड क्वेश्चन कहते हैं कि उनका प्रोडक्ट 4 है, एक अल्फा एक 4 बाय अल्फा, जरूरत नहीं है, उनका प्रोडक्ट जो कि c बाय a होता है वो 4 दिया हुआ है। यहां c बाय a क्या है? लैम्डा बाय 2 एंड दैट इज गिवन एज 4, तो आई कैन से लैम्डा का वैल्यू 8 हो गया। सिंपल, लैम्डा का वैल्यू 8 रख के रूट निकालोगे तो एक रूट दूसरे का 4 टाइम्स आएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है रेशियो इज 5। रेशियो अगर 5 दिया है तो इट मींस वी आर गिवन दैट अल्फा बाय बीटा इज 5। अब ध्यान से बात सुनना, सम फॉर्मूला पता है, डिफरेंस फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट फॉर्मूला पता है, रेशियो फॉर्मूला नहीं पता है। और जब भी रेशियो की बात आती है तो वी यूजुअली यूज वन टेक्निक एंड दैट इज कॉल्ड कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो। We use a concept called compoundendo dividendo. अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वापस go to basic mathematics वाला chapter, उसमें कई सारी चीजें मैंने करा रखी हैं। compoundendo dividendo का भी पूरा एक अलग से वीडियो है, you can watch that and you can come back. compoundendo dividendo होता है अगर दो ratios एक दूसरे के equal हैं, तो दोनों side अगर a plus b upon a minus b करोगे तो भी same आएगा। a plus b अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस थ्री बाय टू एंड अल्फा माइनस बीटा इज रूट डी बाय ए, और रूट डी होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू इक्वल्स टू थ्री बाई टू गिवन है। देखना ये टू टू कैंसिल हो गया, ये थ्री थ्री कैंसिल हो गया, फाइनली व्हाट आई हैव इज माइनस ऑफ टू इक्वल टू अंडर रूट नाइन माइनस एट लैम्डा। स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा नाइन माइनस एट लैम्डा, तो एट लैम्डा कम्स आउट टू बी फाइव, लैम्डा कम्स आउट टू बी फाइव बाई एट। अब इसमें एक कैच, जो डिफरेंस ऑफ रूट होता है वो एक्चुअली ये रूट डी बाई ये अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड वाइज होता है, और मैग्नीट्यूड वाइज है इसलिए वो मॉड अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है। मॉड अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अगर ऐसा है तो फिर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू प्लस माइनस भी हो सकता है, क्योंकि a माइनस बी निकालना है या b माइनस ए निकालना है उसका इश्यू है, इसलिए यहां पे प्लस माइनस आएगा और फिर आंसर ही आ गया। लेकिन इस मेथड के अलावा इसका एक सेकंड मेथड भी है जो वो भी इक्वली यूजफुल होता है, एंड द आइडिया इज कि एक रूट अगर मैं अल्फा मान लेता हूं तो सेकंड रूट क्या होगा? दोनों का रेशियो 5 है, मतलब सेकंड रूट विल बी 5 अल्फा, सेकंड रूट विल बी 5 अल्फा। नाउ सम ऑफ द रूट इज 6 अल्फा, दैट इज माइनस 3 बाय 2 एंड द प्रोडक्ट इज 5 अल्फा स्क्वायर, दैट इज लैम्डा बाय 2। नाउ वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा
मतलब देखो यार, दो इक्वेशन है, टू इक्वेशन टू अननोन सॉल्व हो जाएगा, बट हमें सिर्फ लैम्डा का ही वैल्यू फाइंड करना है, मतलब अल्फा को एलिमिनेट कर दो। अल्फा को एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहां से अल्फा का वैल्यू आया -1/4, उसको अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो आई गेट 5 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2, दैट गिव्स मी लैम्डा इक्वल्स टू 5/8। डिफरेंस ऑफ द रूट में थोड़ा आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि अल्फा माइनस बीटा है या बीटा माइनस अल्फा, देखना। अदरवाइज आप क्या बोल सकते थे, भाई ये रेडिकल साइन था, उसका वैल्यू -2 तो हो ही नहीं सकता, तो बेसिकली +2 वाले से ही आंसर आया है, -2 वाले से तो आंसर आएगा ही, बिकॉज डिफरेंस हम माइनस लेते नहीं है हमेशा, डिफरेंस वी ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यू, सो दैट मॉड की वजह से प्लस माइनस दोनों लेना पड़ा है, या फिर आप ये वाला मेथड देख लो। So, ये एक बेसिक मेथड है टू सॉल्व एनी सच क्वेश्चन। सब में क्या बोला था मैंने, एक अल्फा है तो एक 2 - अल्फा ले लो, लेकिन वहां पे एक्चुअल में दैट वाज देयर वाज नो नीड, लेकिन रेशियो में हमें जरूरत पड़ी और हमने यूज किया। नाउ सिमिलरली वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस 1 by 1, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो वी'ल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए एक बार वापस से देख लोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, रिवाइंड करो पूरा, रिप्ले करो और वापस से देखो एक एक क्वेश्चन, ध्यान से ज्यादा समझ में आएगा। फिफ्थ में कहते हैं कि वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। अब स्टैंडर्ड तरीका क्या बोलता है कि भाई सम निकालो -3/2 और प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट क्या है 1 एंड दैट इज इक्वल टू C/A, मतलब λ/2, लैमडा का वैल्यू 2 आ गया अपने आप, अल्फा एलिमिनेट अपने आप हो गया, हमें जरूरत नहीं पड़ी, लास्ट क्वेश्चन में अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन से अल्फा वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट किया था, यहां अपने आप एलिमिनेट हो गया, तो लैमडा का वैल्यू क्या आया 2 आया। नाउ दिस इज एक्चुअली अ स्पेशल केस, लैम्डा का वैल्यू 2 आया, ए का वैल्यू भी 2 है, मतलब ये दोनों सेम है, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक अल्फा है दूसरा अल्फा 1/अल्फा है तो प्रोडक्ट तो उसका 1 होगा, मतलब C/A का वैल्यू 1 होगा, मतलब A इक्वल टू C होगा, तो इट इज क्लियर दैट अगर रूट्स रेसिप्रोकल पेयर में है, मतलब एक 2 एक 1/2, एक 5/7 एक 7/5, एक -1/2 एक -2, तो A और C इक्वल होंगे। बट ये यही खत्म नहीं होता है, इसके आगे की और भी स्टोरी। सो इफ ax² + bx + c की जगह a है तो इसके रूट्स अल्फा और 1/अल्फा, तो a इक्वल टू c बोलना इज एक्चुअली नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज जनरल कॉन्सेप्ट इज लेफ्ट साइड से जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है a b a, और वही राइट से भी देखना a b a, तो अगर दोनों एंड से कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम है तो रूट्स रेसिप्रोकल पेयर में होते हैं। इफ आई से ax³ + bx² + cx + d, कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं +bx + a = 0, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, इधर से भी a b b a, उधर से भी a b b a, दोनों एंड से कोफिशिएंट अगर सेम है तो रूट्स रेसिप्रोकल पेयर में होते हैं, मतलब एक अल्फा है तो एक 1/अल्फा होगा। इफ कोफिशिएंट्स फ्रॉम बोथ द एंड्स आर इक्वल देन रूट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल आर इन रेसिप्रोकल पेयर। लेकिन ये तो क्यूबिक है, इसके तो 3 रूट्स होने चाहिए, तो थर्ड रूट क्या होगा, थर्ड रूट लेट्स से बीटा, क्यूबिक है 3 रूट्स होंगे, बीटा लिख देने का, बीटा होगा क्योंकि अगर बीटा है तो फिर 1/बीटा भी होना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट कि रूट्स रेसिप्रोकल पेयर में होते हैं, इससे तो 4 रूट्स हो गए, हमें तो 3 रूट्स ही होने चाहिए, और 3 रूट्स है इसका मतलब इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, इसका मतलब बीटा का वैल्यू क्या होगा सोच लो, बीटा इक्वल टू 1/बीटा, मतलब बीटा² = 1, तो बीटा का वैल्यू +1 एंड -1,
तो इसका मतलब हुआ जो थर्ड रूट होगा वो या तो प्लस वन होगा या माइनस वन होगा, कोई एक ही होगा, कौन सा होगा? थिंक ऑफ इट एंड टेल मी। एक्चुअली में थर्ड रूट वन नहीं होगा, माइनस वन ही होगा, क्योंकि वन पुट करोगे इसमें तो मिलेगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस ए इक्वल टू जीरो। ये गारंटी नहीं कैसा होगा, लेकिन माइनस वन पुट करोगे तो आएगा माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस ए, देखो जीरो आ गया। इसका मतलब जो थर्ड रूट है वो माइनस वन ही होगा। रेसिप्रोकल पेयर भी सेट हो गया आपका, और साथ में माइनस वन प्लस वन में से पक्का भी हो गया कि माइनस वन ही होगा। अगर फोर डिग्री इक्वेशन है तो वो इक्वेशन क्या होगा, जरा आप खुद से लिखो, वट वुड बी द सिमिलर पैटर्न में फोर डिग्री का इक्वेशन। सो दैट विल बी ए एक्स फोर बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। इधर से क्या है, ए बी सी बी ए, इधर से भी वही है ए बी सी बी ए। इसमें रूट्स क्या होंगे, अल्फा वन बाय अल्फा बीटा एंड वन बाय बीटा। रेसिप्रोकल पेयर में तो होना ही है, दैट इज द होल आइडिया। तो ये जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है ये तो क्वाड्रेटिक के लिए था, बट दिस इज ऑलवेज वर्किंग। अब फाइव डिग्री का अगर होता तो उसमें रूट्स क्या होते, अल्फा माइनस अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा वन बाय अल्फा बीटा वन बाय बीटा एंड फिफ्थ माइनस वन। वो फिक्स है, वो माइनस, अगर ऑड नंबर ऑफ रूट्स हैं तो एक माइनस वन आएगा और बाकी पेयर्स में आ जाएंगे। सो दैट वॉज स्पेशल केस ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव, कि अगर दोनों एंड से कोफिशिएंट सेम है तो उसके रूट्स रेसिप्रोकल पेयर में होते। इनको सॉल्व करने का अपना एक तरीका है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उनको सॉल्व कैसे करते, तो उनको सॉल्व करने के लिए हाईएस्ट डिग्री का रूट मतलब एक्स फोर है उसका रूट एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर से पूरे को हम डिवाइड करेंगे। तो आई विल मेक दैट वीडियो इन अनदर पार्ट, अभी के लिए इसको कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है वन रूट इज टू थर्ड ऑफ द अदर, वन रूट इज टू थर्ड ऑफ द अदर, मतलब एक अल्फा है तो एक टू बाय थ्री अल्फा हुआ। अब आप इसको रेशियो अगर निकालोगे तो रेशियो टू बाय थ्री आएगा। अब टू बाय थ्री बोलो थ्री बाय टू बोलो बात बराबर है, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से फोर्थ जैसा हो गया। और फोर्थ में दो तरीके बताए थे, एक तो कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो और एक इसका नया सम और नए प्रोडक्ट से। तो दिस वीडियो दिस इज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर फोर, तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन। सेवेंथ क्वेश्चन की बात है वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट, तब तक आप प्रैक्टिस करें। ओके सो क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में बोलते हैं कि वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, मतलब एक अल्फा है और एक अल्फा स्क्वायर, तो सम क्या हो जाएगा, सम होगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर दैट इज माइनस थ्री बाय टू, और प्रोडक्ट होगा अल्फा क्यूब दैट इज लैम्डा बाय टू। अब यहां से अल्फा का वैल्यू गायब कर दोगे तो आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। अब अल्फा गायब करने के लिए वॉट वी कैन डू, यहां से अल्फा का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो अल्फा वैल्यू विल कम आउट टू बी लैम्डा बाय टू का क्यूब रूट, और आई कैन से लैम्डा बाय टू का पावर वन बाय थ्री। वो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में लिखूंगा तो आई विल गेट व्हाट, लैम्डा बाय टू पावर वन बाय थ्री, लैम्डा बाय टू पावर टू बाय थ्री इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू। बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करने के बाद ये फ्रैक्शनल पार गायब हो जाएंगे एंड वी गेट द आंसर। या आप लैम्डा बाय टू को टी क्यूब या इसको टी मान करके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। बट आई हैव अ बेटर ऑप्शन, बेटर तरीका, वो ये कि वैल्यू पुट करके क्यूब करने की जगह पहले क्यूब कर दो बाद में वैल्यू पुट करें। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू एंड अल्फा क्यूब इक्वल टू लैम्डा बाय टू।
अगर दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो 3ab इंटू ए प्लस बी कम्स आउट टू बी माइनस 27/8 माइनस 27/8। अब अल्फा क्यूब का वैल्यू पुट करो, अल्फा क्यूब का वैल्यू है लैम्डा बाई 2, अल्फा पावर 6 क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 4, अल्फा क्यूब क्या है लैम्डा बाई 2। ओहो ये तो वापस आ गया अल्फा, अब अल्फा वापस आ गया, अल्फा की वैल्यू ये गंदी से रखनी पड़ेगी, एक्चुअली नहीं, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर पूरे की वैल्यू हमें पहले से पता है माइनस 3/2। याद करो फर्स्ट ये सेकंड वीडियो में जब मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो ऐसा ही हुआ था, 2^1/3 और 2^2/3 था, क्यूब कर रहे थे, क्यूब हटाने के लिए वापस से आ गया था, तो उसका वैल्यू हमें पहले से पता था। नाउ लेट मी मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा एंड दिस, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 2 लैम्डा स्क्वायर ये माइनस 7 था माइनस 14 लैम्डा माइनस 27 था प्लस 27। नाउ यूजिंग दिस वी विल बी एबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड लैम्डा कम्स आउट टू बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 8 इंटू 27 अपॉन 2a विच कम्स आउट टू बी इमेजिनरी। रूट के अंदर देखोगे तो निगेटिव है, 8 इंटू 27 जो होता है वो 216 होगा, तो 196 माइनस 216 इज माइनस 20, उसका रूट नहीं आएगा, मतलब फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एक रूट दूसरे का स्क्वायर होगा, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ लैम्डा जिसमें रूट्स एक रूट दूसरे का स्क्वायर होता, अगर होना होगा तो आपको लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू पुट करने के बाद स्क्वायर करने से अच्छा है पहले यहां से वैल्यू निकाला, इसमें पुट किया, ये आया और फिर हमने उसका क्यूब किया, या फिर पहले क्यूब कर दो बाद में वैल्यू पुट कर दो, इट लुक्स मोर नीट, इसमें कहीं भी फ्रैक्शनल पावर नहीं है, इससे तो बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में ही प्रॉब्लम होता है, फ्रैक्शनल पावर में तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, तो ऑलवेज वी ट्राई टू अवॉइड फ्रैक्शनल पावर। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में इफ यू सी व्हाट वी आर गिवन दैट रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अब इसमें न्यूमेरिकली कोई आइडिया नहीं है सो वी कैन नॉट से कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, बट एक चीज क्लियर है कि अल्फा और बीटा अपोजिट साइन के हैं, मतलब अल्फा इंटू बीटा पक्का नेगेटिव होगा, अल्फा इंटू बीटा विल डेफिनेटली बी अ नेगेटिव नंबर, अपोजिट साइन का है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव आएगा एंड दैट गिव्स मी लैम्डा बाई 2 लेस देन 0 एंड सो आई कैन से कि लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, लैम्डा अगर नेगेटिव लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, रूट्स अपने आप अपोजिट साइन के आ जाएंगे और रियल भी आएगा, ये गारंटी है, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, 9 रूट्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, ये क्या बात हुई, रूट्स सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन साइन अपोजिट है, मतलब समथिंग लाइक 3 एंड माइनस 3, 2 एंड माइनस 2, 5 एंड माइनस 5, मतलब अल्फा एंड माइनस अल्फा, मैग्नीट्यूड सेम है साइन अपोजिट है, अच्छी बात क्या है कि इनका सम जीरो है और सम जीरो होने का मतलब माइनस 3/2 जीरो है विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा नहीं होगा, बट और दूसरे क्वेश्चंस में आ सकता है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि रूट्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन का मतलब कि उनका सम जीरो होगा, अगर 3 की जगह म्यू होता तो म्यू बाई 2 इक्वल टू जीरो तो म्यू का वैल्यू जीरो आ जाता, यहां पे ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वन रूट इज टू मोर देन द हाफ ऑफ फर्स्ट, तो 10th क्वेश्चन में है कि वन रूट इज टू मोर देन द हाफ ऑफ फर्स्ट, मतलब
एक अल्फा है तो दूसरा 2 plus alpha by 2। इसमें तो नथिंग स्पेशल, सिंपल सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा एलिमिनेट करेंगे एंड वी गेट द आंसर। सो दिस इज अबाउट रिलेशन बिटवीन द रूट्स, रूट्स के बीच में जो रिलेशन है उसके हिसाब से वी कैलकुलेट एंड वी फाइंड द वैल्यू। In the next video, I am going to solve so many questions related to profile 1, 0, 1 and 2. Thank you.